नागपुर टेस्ट से पहले ये चार सवाल बढ़ा रहे हैं रोहित शर्मा की चिंता। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत 9 फरवरी से हो रही है, जिसके लिए दोनों टीम जमकर तैयारी कर रही है। गुरुवार 9 फरवरी से नागपुर के VCA स्टेडियम में चार मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह टेस्ट सीरीज काफ़ी अहम है दोस्तों। इसमें लाजवाब प्रदर्शन के बाद ही भारतीय टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और रोहित शर्मा व उनकी टीम इसी इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हरा देती है तो ICC टेस्ट रैंकिंग में भी टॉप पर पहुंच जाएगी। वनडे और T20 में तो भारतीय टीम पहले से ही नंबर वन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं होगा। टेस्ट में नंबर वन फिलहाल यही टीम है और उनके खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं। कंगारू टीम दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम को हराकर आ रही है, लेकिन यह भी सच है कि भारत में भारत को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहता, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ही क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2004 के बाद से भारत को कभी भी घर में नहीं हरा पाई है और भारत ने लगातार दो बार ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में जाकर हराया है। कंगारू टीम इसका बदला लेने के भी फिराक में होगी। कुल मिलाकर क्रिकेट फैंस को एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। खैर, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस अहम टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के सामने चार सवाल हैं, जिनके जवाब उन्हें हर हाल में नागपुर टेस्ट से पहले ढूंढने होंगे। आइए जानते हैं कौन से वो चार सवाल हैं जो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के सिर दर्द बढ़ाए हुए हैं। नंबर वन, सूर्या या गिल। दोस्तों, नागपुर टेस्ट के लिए श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं है और शायद दूसरे टेस्ट से पहले भी वो पूरी तरह से फिट ना हो पाए। अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने यही सवाल है कि उनकी जगह किसे प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। भारत के पास दो विकल्प हैं, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल को चुनते हैं तो उम्मीद है कि वही रोहित के साथ पारी का आगाज करेंगे। तब ऐसे में उपकप्तान KL राहुल को नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरना पड़ेगा। शुभमन गिल मौजूदा समय में अपने ड्रीम फॉर्म में हैं दोस्तों। हाल ही में उन्होंने वनडे में दोहरा शतक और T20 में शतक ठोका है, साथ ही रेड बॉल में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की छाप छोड़ी है। सूर्या की बात करें तो उन्हें अय्यर के स्थान पर वनडे सीरीज में मौका मिला था, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। ऐसे में उम्मीद यही है कि शुभमन गिल को ही नागपुर टेस्ट में मौका मिलेगा। अगर रोहित सूर्या को चुनते हैं तो वो अपना टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। नंबर दो, स्पिन गेंदबाज। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए स्क्वाड में रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के रूप में कुल चार स्पिनर्स शामिल हैं। उम्मीद है नागपुर की टर्निंग ट्रैक पर भारतीय टीम दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो तीन स्पिन गेंदबाज कौन होंगे। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का खेलना तो तय माना जा रहा है। पेच फंस रहा है तीसरे स्पिनर को लेकर। इसके लिए दो दावेदार हैं, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। कुलदीप ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुए पहले टेस्ट में लाजवाब प्रदर्शन किया था, लेकिन जब अक्षर पटेल फिट हुए तो दूसरे टेस्ट में उनका पत्ता कट गया। अक्षर बल्ले से दमखम रखते हैं, इसीलिए उन्हें कुलदीप के ऊपर तरजीह दी जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जडेजा के आने से भी ऐसा होगा। दरअसल जडेजा और अक्षर एक समान गेंदबाज हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रोहित और उनकी टीम तीसरे स्पिनर के रूप में किसे चुनते हैं। नंबर तीन, तेज गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट के लिए स्क्वाड में चार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और जयदेव उनादकट को चुना गया है। उम्मीद है कि पहले टेस्ट में रोहित दो तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद सिराज के फॉर्म को देखते हुए उन्हें बाहर रखना मुश्किल है और दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी का चयन हो सकता है, क्योंकि शमी अनुभवी हैं। उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के लिए काफ़ी काम आ सकता है। दूसरी तरफ जयदेव बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो गेंदबाजी आक्रमण को विविधता प्रदान करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका अनुभव कम है। इसीलिए देखने वाली बात होगी कि सिराज के साथ दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में किसका चयन होता है। नंबर चार, कौन होंगे विकेटकीपर। विकेटकीपिंग के लिए भारत के पास तीन ऑप्शन हैं। एक तो KL राहुल हैं, दूसरे KS भरत और तीसरे ईशान किशन। अब सवाल ये उठता है कि नागपुर टेस्ट में विकेटकीपिंग ग्लव्स किसके हाथों में होगी। क्या KL राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे या फिर भारत स्पेशलिस्ट विकेटकीपर के साथ जाएगा। KS भरत पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल होते रहे हैं।
लेकिन ऋषभ पंत के रहने से उनको मौका नहीं मिला था। अब चूंकि ऋषभ पंत बाहर हैं, भारतीय टीम के लिए विकेटकीपर का चयन एक दुविधा बना हुआ है। ईशान किशन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बतौर विकेटकीपर फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट यानी रेड बॉल क्रिकेट में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। टेस्ट क्रिकेट में एक स्पेशलिस्ट विकेटकीपर की जरूरत होती है, इसीलिए केएल राहुल बतौर बल्लेबाज ही खेलेंगे। यानी फाइनली केएस भरत 9 तारीख को अपना टेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। नागपुर टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 दोस्तों कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, केएल राहुल उपकप्तान, केएस भरत विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से कोई एक, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जयदेव उनादकट में से कोई एक। आपके अनुसार सूर्यकुमार यादव और केएस भरत नागपुर टेस्ट में अपना टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने में सफल हो पाएंगे या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए फॉलो करें हमारा पेज। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।